क्या सुनो चंदा 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी, सबसे बड़ी मिस्ट्री। लेकिन अभी डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, पहले मुझे ये बताएं, आर यू मिसिंग ऑल द हल्ला गुल्ला एंड द शूट एंड ऑल द, जो व्यूअर्स का फीडबैक आपको लिटरली आई एम श्योर हर रोज आता होगा, वो बहुत बूस्टिंग होता है यू नो, जब आपको वो, बिकॉज जब आप सुनो चंदा शुरू करते हैं तो वो देयर सर्टेन ग्रुप्स, जो इंस्टाग्राम के ग्रुप्स बनाए हुए लोगों ने, अब वो इंस्टाग्राम के ग्रुप्स जो हैं वो तकरीबन दे मोर देन 400 ग्रुप्स। वाओ, आप उनके साथ, आई डिडंट नो दैट। यस, आप फरहान इकरा लिखें तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ कितने ग्रुप्स खुलते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट रखना पड़ता है मुझे, इंटरेक्शन क्यों रखना पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता वो है, सपोर्ट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, दे आर द वंस हु वाचिंग, ठीक है ना, वो पूरी दुनिया से हैं, वो दे फ्रॉम इंडिया, दे फ्रॉम कनाडा, दे फ्रॉम यूके, दे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दे फ्रॉम दुबई, दे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो कहाँ कहाँ से वो बच्चे हैं सारे के सारे, दे रेंज फ्रॉम लाइक 13 to 20 आई सपोज, और कितनी क्रेजी क्रेजी फॉलोइंग, बिकॉज वो फिनोमिनल है, वो एक प्रोजेक्ट है जो हमने भी नहीं सोचा था, मैंने तो स्पेशली नहीं सोचा था, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी कि ये इस किस्म का फिनोमेना क्रिएट कर देगा, तो सुनो चंदा इज अ फिनोमेना बेसिकली, इट्स अ फिनोमेना डेफिनेटली, इट्स अ कल्ट, इट्स अ कल्ट, इट हैज बिकम अ कल्ट, यस। तो मिस कर रहे हैं आप अच्छा खासा? बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ उसके सेट को, हालांकि बहुत कम दिनों में उसको हमने वो 30, 35, 33 एपिसोड शूट करने होते हैं, और उसमें एक अजाब होता है वो, बिकॉज मोर देन 20 एक्टर्स ऑन सेट, उन सबको हैंडल करना, थैंक गॉड सारे एक्टर्स कोऑपरेटिव हैं, उनको समझ आ गई हुई है अब सेकंड सीजन तक में कि ऑब्वियसली ये हमने देना ही देना है, देना ही देना है, तो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, मगर स्टिल हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आती है बीच में, पर वो जिस तरीके से वो निकल के आता है सामने, बिकॉज हम फिर एवरी डे पे आ जाते हैं कि आज जो हम शूट कर रहे हैं, हमने 10 बजे शूट किया है, वो कल 8 बजे चलना, 9 बजे चलना है वो कल, बहुत ही स्ट्रेसफुल, वो स्ट्रेसफुल होता है उसमें, फिर मैं रात में एडिट में होता हूँ, दिन में शूट पे होता हूँ, सो मेरे स्लीप आवर्स बिल्कुल 3-4 घंटे के होते हैं उसमें, सो वो दैट्स टफ, बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी है अभी तक के वो मैनेज कर लेता हूँ मैं। तो सुनो चंदा 1 जब चल रहा था, किस पॉइंट पे डिसाइड हुआ कि सुनो चंदा 2 आएगा, या आप लोगों ने खुला छोड़ दिया कि वील सी आफ्टर 6 मंथ्स डिसाइड करेंगे, या सुनो चंदा 1 से पहले ही डिसीजन हुआ था कि सुनो चंदा 2 आएगा? नहीं, जब मैं 1 कर रहा था तो 1 तो मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले रमज़ान प्लेज का कोई रिवाज नहीं था, ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, 4-5 साल पहले से 2-3 प्लेज लोगों ने बनाए थे जो पिट चुके थे, और मुझे यही फीडबैक मिला था कि भाई रमज़ान प्लेज आर वेरी डाइसी, तो मैं बेसिकली वो गया था कि अच्छा चलो इट्स अ 30 एपिसोड में कम दिन में निकलेंगे, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, यू नो इकोनॉमिकली भी ज़रा अच्छा था, क्योंकि आपको नॉर्मली 1 साल लगता है, जो आप 1 साल में कमा रहे हैं वो आप 2 महीने में 3 महीने में कमा लेते हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम बिल्कुल कि ये इस किस्म की चीज़ होगी, वो फिर हमें 15 दिन बाद जिस तरह वो ऑन एयर हुआ, और ऑन एयर के 3 से 4 दिन हमें लगे और वो कुछ और चीज़ बन गई, कुछ और चीज़ बन गई, हाँ। तो उसके बाद जब तकरीबन आखिरी अशरा आया रमज़ान का, तो हम पता था कि ये सीज़न 2 होगा, लाइक वो आप लोग की सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था, या कोई क्या हुआ, कोई मीटिंग हुई कुछ हुई जिसपे बोला कि यार सीज़न 2 तो हम निकालेंगे, हाउ डिड दैट डिसीजन एक्चुअली हैपेंड, मुझे ये जानना। वो डिसीजन तो बाद में आया, अच्छा वो डिसीजन तो उसके ख़त्म होने के बाद आया, बिकॉज जो उसके बाद जो फीडबैक आया और जो पागल हुए लोग कि जी सीज़न 2 क्या अभी दे दें बस सीज़न 2, रमजान का इंतजार नहीं करना, आप सीज़न 2 की एंडिंग ऐसे ही की थी कि छोड़ दी थी कि उसी से अंदाजा हो गया था कि शायद कुछ हो सकता है? नहीं, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं था, मगर हमने बाद में सोचा कि अच्छा इसको यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं, यूँ कर देंगे यूँ, क्योंकि जाहिर है आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, अनफिनिश्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो आप उनको किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं, मगर ऐसी चीज़ होगी वो बाद में ही फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि हम फिर सोच रहे थे कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नॉर्मली सीजन जो होते हैं वो इतने कामयाब नहीं जाते, फिर वो टाके की आएगी बारात, यू नो वो सब चीज़ का वो एक रेफरेंस था पीछे, और वो अच्छा रेफरेंस था, फिर आप लोगों ने कहा बस ये रिस्क ले लो, फिर हमने कहा ये रिस्क लेते हैं, और सुनो चंदा 2 वाज इवन अ बिगर सक्सेस, इट वाज 30% मोर देन द प्रीवियस वन। हाउ डू यू फील, लाइक यू नो यू हैव क्रिएटेड अ फिनोमेना, अ कल्ट, आपको फीलिंग कैसी होती है, डोंट यू लाइक, आई वांट टू अंडरस्टैंड, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड,
कि ये आपको खुद यकीन आता है कि वाओ ये नहीं, यकीन नहीं आता अभी, नहीं आता अभी तक यकीन नहीं आता इस चीज़ का कि ये इतनी फिनोमिनल चीज़ बन गई, इतनी बड़ी चीज़ बन गई, जो कि मतलब उसकी कल्ट फॉलोइंग अभी तक लोग सुनो चंदा थ्री की बातें करते हैं। का खुद भी पंजाबी बैकग्राउंड है, शीज़ फ्रॉम पंजाब, फिर जो हमारे कंटेंट हेड थे शहजाद का भी बैकग्राउंड जो है वो लाहौर से ही है, इस्लामाबाद से, तो वो थी मैं खुद एक ब्रॉड एंड ब्रेड इन लाहौर, सो पंजाबी मेरे अंदर भी पंजाबी है, तो वो जब कैरेक्टर्स और वो जुमले आए तो फिर हम सीख करते थे और अच्छा और मिसालें ढूंढते हैं और तो उसको फिर कुछ लिखा कुछ होता था फिर हम उसको चेंज भी करते थे, उसको उनके कैरेक्टर्स बन गए थे, पता लग गया था अच्छा हाँ ये इंटरेस्टिंग है, जब ऑन एयर हो गया और वो नज़र आना शुरू हो गया वो कैरेक्टर, तो फिर हमने इसमें इनपुट ज़्यादा देनी शुरू कर दी, उनके सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे कि जिसके अंदर आप जितना उसको उठाएंगे वो उतना ही सामने नज़र आ रहा था, और फीडबैक हमें अगले दिन मिल जाता था, ये बेस्ट पार्ट था कि हमें नेक्स्ट डे फीडबैक मिलता था तो हम उसी को और शुरू होते थे, फिर साथ साथ स्क्रिप्ट लिखा भी जा रहा था उस वक्त। ओके, सो यू कुड स्टिल प्ले विद थिंग्स, वी कुड स्टिल प्ले। अच्छा, तो ये वाज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि सुनो चंदा 2 में शहाना का पार्ट ज्यादा होगा, ये कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स पहले बहुत ज्यादा हिट हो गए थे उनको ऑब्वियसली हमने फिर उसी तरीके से ट्रीट किया और फिर वो वाली सास दिखाई जो सास होती नहीं है, सो वो एक वो भी एडवांटेज बहुत था कि अच्छा एक सास है जो बहुत तेज है बट वो बहू के साथ बहुत अच्छी है और वो अच्छी सास है, वो अपनी बहू का साथ देती है हर चीज में, बेटे को कहती है तू निखट्टू है, तो वो एक एक्स्ट्रा वो चीज थी जो लोगों को लड़कियों को बहुत अच्छा लगा के और औरतों को घर की औरतों को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हाँ ऐसी सास, तो वो एक अच्छी सास बनी जो कि मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए हर सास को। सो फिर सुनो चंदा 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये हमारे यही जो आपके जैसे अल्फाज तो हम भी वही हैं अभी, सुनो चंदा 3 आएगा इंशाल्लाह, ये बट नॉट दिस रमजान, कमिंग रमजान में शायद ना आए, उससे अगले रमजान शायद, उस पर पॉसिबिलिटी है, अब शायद पे छोड़ रहे करेंगे करेंगे। Do you think सुनो चंदा 3 आना चाहिए, ओवर नहीं हो जाएगा? 3 करके देखते हैं, because 2 तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके जी, 2 तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह पे सब डिफाइंड हो गए हैं, अब इनको हम एक और सेटअप में लेके जा रहे हैं, वो भी रिवील होगा बाद में कि क्या सेटअप है, यस ऑफ कोर्स कि वो सेटअप जो है अब उस सेटअप से कहानी को हम शुरू करेंगे, कैरेक्टर्स को रिवील करेंगे, नए कैरेक्टर्स आएंगे बीच में कुछ। लेकिन आप एक बात है, जहाँ पे इतना बड़ा फिनोमेना था, इतनी कल्ट फॉलोइंग थी, वहाँ पे सम पीपल एक्चुअली हैड अ प्रॉब्लम विद सुनो चंदा, बहुत मसले भी थे, बहुत नेगेटिव भी थोड़ा सा है कि क्या है, सेंसलेस कॉमेडी है क्या, बचकाना तरीके से